डी स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सेफ्टी मैनेजमेंट्स इन क्वालिटी एश्योरेंस विद रेलिवेंट टू टी एस एम टी एस एम स्टैंड फॉर टोटल सिस्टम मैनेजमेंट टोटल सिस्टम मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हेल्थ सेफ्टी और आर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को देखते हैं ताकि ग्लोबल लेवल पर हम कम्पीट कर सकें ग्लोबल लेवल पर कम्प्लीट अब तब, तब कर सकते हैं जबकि आर्गनाइजेशन का सिस्टम हो कि ऑर्गेनाइजेशन रीजनल लेवल पे लोकल लेवल पे नेशनल लेवल पे प्रोविंशल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कंपीट कर सके इसको डी स्टूडेंट्स हम टोटल सिस्टम मैनेजमेंट बोलते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इट्स पर्पज इज टू गिव ऑर्गेनाइजेशन द सस्टेनेबल कंपेटिव एडवांटेज यहाँ पे इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन एक दफ़ा कंपेरेटिव एडवांटेज अचीव नहीं करेगी बल्कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ उसको अचीव करेगी तो इस तरह हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ सेफ्टी मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वट इज टोटल सिस्टम मैनेजमेंट टोटल सिस्टम मैनेजमेंट इज परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच टू सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट दैट गिवस ऑर्गेनाइजेशन द ग्लोबल मार्किट बाय अस्टेब्लिशिंग सेफ एंड वर्किंग एनवायरमेंट दैट इज कंड्यूसिव विद इन दर्गेनाइजेशन आर्गेनाइजेशन को ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट डेवलप करके दें जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर एक्सेप्टेबल हो और आर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलफ सेफ्टी मेजर्स में और आर्गेनाइजेशन की तमाम चीज़ों के अंदर कंटिनुअस इम्प्रूवमेंट नजर आनी चाहिए इट इन्वाल्वस अप्लाइंग द प्रिसिपल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ही ये होता है कि आर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करे अपनी प्रोडक्शन में प्रोसेस में सिस्टम में पीपल में ऑर्गेनाइजेशन में ताकि ऑर्गेनाइजेशन हास एस्पेक्ट में उन चीजों को डील कर सके दिस डेफिनेशनस कंटेन सेवरल की एलिमेंट्स दैट मस्ट बी अंडरस्टोर टू कंप्रेहेंड टोटल सिस्टम मैनेजमेंट फुली दीस आर एज अंडर ये तीन पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स इसमें पहला पॉइंट सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज है सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज का ये मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज है कंपटीटर पे ह्यूमन रिसोर्स की शक्ल में टेक्नोलॉजी की शक्ल में इमेज की शक्ल में ऑर्गेनाइजेशन रिप्यूट की शक्ल में ये कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सस्टेनेबल हो लंबे अरसे तक हो सेकंड पीक परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करे ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के मैक्सिमम पीक पे जा सके और लास्ट कंटिन्यूल इंप्रूवमेंट फॉर एवर आर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर अपनी इम्प्रूवमेंट करेगी और लॉन्ग टर्म बेसिस पर उन चीज़ों को लेकर चलेगी ट्रांसलेटिंग टोटल सिस्टम मैनेजमेंट इंटू एक्शन ये थोड़ेल वर्क नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक दफा प्लान किया इम्पलीमेंट किया एग्जीक्यूट किया खत्म हो गया इट इज अ अंटिन्यूल प्रोसेस देर आर थ्री फंडामेंटल कंपोनेंट्स टू विच द टोटल सिस्टम मैनेजमेंट फिलासफी इज ट्रांसलेटेड इंटू एक्शन विच आर एज एंड नंबर वन टोटल सिस्टम मैनेजमेंट स्टेयरिंग कमेटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स टीम और टोटल सिस्टम मैनेजमेंट फैसिलिटेटर अगर ये तीन अस्पेक्ट इकट्ठे नहीं होंगे तो आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की टोटल सिस्टम मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर सकते फर्स्ट यू हैव टू अस्टैब्लिश टोटल सिस्टम मैनेजमेंट स्टेयरिंग कमेटी इट कम्प्राइजिज और नंबर ऑफ मेम्बर विच में भी मैक्मम एनी नंबर एंड मिनिमम फाइव मेम्बर और वो जो फाइव मेम्बर की सिलेक्शन करेंगे वो मुख्तु डिपार्टमेंट से होगी और वो लोग जो सब चीज़ों से फैमिलियर होंगे इसी तरह इंप्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होती है उसमें रहते हुए उन प्रोजेक्ट्स को हमने एग्जीक्यूट करना होता है इंप्लीमेंट करना होता है कंप्लीट करना होता है और उनको बेहतर से बेहतर अंदाज में हमने करना होता है और लास्ट टोटल सिस्टम मैनेजमेंट फैसिलिटेटर देर मस्ट बी हु विल फैसिलिटेट द होल प्रोसेस